हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों, मैं प्रवीण, आज हम यूपी ट्रिपल सी पैट एग्जाम 2022 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, ये 50 प्रैक्टिस सेट का ये क्रैश कोर्स है, ये 50 दिन तक चलेगा। साथियों, आपको बता दूं, इससे पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट और कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। अगर वो क्लासें आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर साथियों इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हाई मोटिवेट, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? उच्च शिक्षा, बालक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो आपको बता दूं, जो प्राथमिक शिक्षा पर, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष या गिरीश चंद्र घोष? तो ये शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, यानी कि शिशिर कुमार घोष ने की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? गोदान, आनंद मठ, डाकघर, चित्रा। तो जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा? तो जो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता की थी, यानी कि जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू? तो फीनिक्स फार्म की जो स्थापना की है, तो ये महात्मा गांधी जी ने की है, महात्मा गांधी जी ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का जो भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन कब आया था भारत में, 1925, 1928, 1930 या 1919? तो साइमन कमीशन जो वर्ष 1928 में आया था, वर्ष 1928 में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? अहमदाबाद, बम्बई, इलाहाबाद, कोलकाता? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी, तो ये बम्बई में हुई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तिनकटिया, इजारेदारी, जानवी या ननौपदी? तो आपको बता दूं, जो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है, तो ये तिनकटिया से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और जो चंपारण सत्याग्रह पूछ लिया जाता, कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, तो ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1891, 1861, 1893 या 1897? तो आपको बता दूं, जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, 1897 में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसे जरूर देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप या गुजरात? तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा? तो ये नर्मदा नदी है, तो ये पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? रेगुर, क्रिस्टली, वांगर, ननोपदीज? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो काकरा पार जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात? तो जो काकरा पार जो परमाणु स्टेशन है, तो ये गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैगनीज का अग्रणी उत्पादक है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ननोपदीज? तो ये ओडिशा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन जो किस वर्ष हुआ? 1887, 1959, 1968 या 1972? तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज का जो गठन हुआ था, वो 1959 में हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1978, 1976, 1979 या 1977? तो संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वही 1976 में जोड़े गए हैं, 1976 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33, 31, 34, 30। तो आपको बता दूं, तो अभी जो संख्या है यानी कि सीजीआई को मिलाकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर, तो 34 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या नन ऑफ देश? तो केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 320। तो जो चुनाव का उल्लेख किया गया है ये तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1960, 25 जनवरी 1966, 5 जनवरी 1962 या 14 जनवरी 1965? तो आपको बता दूं, जो भारतीय जो खाद्य निगम की स्थापना हुई है ये 14 जनवरी 1965 में हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2, NH16, NH4, NH44। तो आपको बता दूं, जो भारत का जो सर्वाधिक लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है, NH44 है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? 1952, 1951, 1955 या 1956? तो आपको बता दूं, जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो 1951 में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के जो कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है? UTI, RBI, NDC, SEBI। तो आपको बता दूं, तो ये सेबी करती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब जैसे सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, यानी कि 1988 में हुई थी। और आपको बता दूं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के जो नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होगा आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक, परावर्ती प्रतिबिंब, नन ऑफ दीज? तो आपको बता दूं, जो सब एक समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब सदैव होता है तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चुंबकत्व नियम, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम या सापेक्षता सिद्धांत? तो आपको बता दूं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आपको बता दूं, तो इन्हें 1921 में दिया गया था, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ये क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुद्र का जो पीएच मान होता है 6.4, 7.4 या 10, 8.4? तो जो रुद्र का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को कहा जाता है? विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध? तो विद्युत आवेश के जो प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकू किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, नन ऑफ दीज? तो बाकू है वो अजरबैजान की राजधानी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975, 1989, 1985 या 1961? तो ये 1985 में हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड किस वर्ष में बनाया गया? 1963, 1947, 1973 या 1953? तो आपको बता दूं, जो राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड है ये 1953 में बनाया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान की संसद कहलाती है डायट, संसद, ड्यूमा, नन ऑफ दीज? तो जापान की संसद है ये डायट कहलाती है, डायट कहलाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने रघुपत राघव राजा राम लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या विष्णु दिगंबर परस्कर? तो ये रघुपत राघव राजा राम लिखा है, तो विष्णु दिगंबर परस्कर ने लिखा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नवद्वीप। तो ये मणिपुर में खोला गया था, मणिपुर में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मणिपुर में खोला गया था। इसका जो शिलान्यास है वो यानी कि जो 16 मार्च 2018 में हुआ है, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 7 अप्रैल, 30 अक्टूबर या 15 दिसंबर। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश से है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2016, 2015, 2014 या 2013। तो ये 2013 में किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 14 फरवरी, 4 फरवरी, 23 अगस्त या 12 मई। तो आपको बता दूं, विश्व कैंसर दिवस है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो ये जो स्माइल 75 जो पहल है वो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने किया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो 2023 की मेजबानी करेगा? कोलकाता, मुंबई, कोची, चेन्नई। तो आपको बता दूं, तो ये कोलकाता करेगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला जो मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, अजीज प्रेमजी। तो अब ये बताऊं, तो ये रतन टाटा जी ने किया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये उत्तराखंड में जो जो शुरू की गई एक पहल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौक पूना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दूं, तो ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र की लोक कला है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रमीज राजा, वसीम अकरम, इमरान खान, शोएब मोहम्मद। तो ये इमरान खान ने के जो द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति, चिकित्सा। तो इन्हें मतलब शांति में दिया गया था, शांति में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इन्हें 1979 में दिया गया था, शांति में 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944, 1935, 1950 या 1920। तो विश्व बैंक की जो स्थापना 1944 में हुई है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और साथ ही आपको बता दूं, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, रायबरेली। तो ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश में निकटतम है? नैनी, उज्जैन, लखनऊ, वाराणसी। तो ये नैनी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो साथियों, आज के जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन से वो कम्प्लीट हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही आपको बता दो, UPSC PAT और वीडियो के कुछ समय में हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, धन्यवाद।